हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सेवैया उपमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप कभी भी स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। ये सभी पसंद करते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सेवैया उपमा बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने आधा लीटर पानी उबाल लिया है, उसमें हम अब ये सेवैया को डाल देंगे और इस उबले हुए पानी में हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। सेवैया को हमने उबाल लिया है। इसे चेक करने का तरीका बता देती हूँ। दोनों हथेलियों से ऐसे दबाने पे पता चल जाता है कि ये उबल चुका है। अब हम इसे गैस बंद करके स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बॉल रखेंगे, उस पे एक स्टेनर रखेंगे और ये सेवैया को हम इसमें पलट देंगे और फिर हम इसे ठंडे पानी से ऐसे धो लेंगे। इससे क्या होता है, अपनी सेवैया जो है एक दूसरे में चिपकती नहीं है। सेवैया हमें 80-90% ही कुक करना है, बाकी का हम उपमा बनाने में कुक कर लेंगे। इसी पैन को हमने गैस पे ले लिया है, गैस को हमें ऑन करना है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक ऑनियन को बारीक बारीक काट लिया है, उसे इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम तेज ही रख के 2.5 करेंगे। प्याज को हम अच्छे से भूनने देंगे। उसमें हम कुछ फ्रेश करी लीव्स डाल देंगे। उपमा में करी लीव्स की टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। 1 मिनट के लिए हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज को हमने भून लिया है। अब हम इसमें आधा टुकड़ा आलू का काट लिए हैं, क्योंकि उपमा में आलू बच्चों को बहुत पसंद है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। हम प्याज के साथ आलू को अच्छे से पका लेंगे। छोटा छोटा काटा है तो ये आसानी से पक जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम अदरक का टुकड़ा डालेंगे। गाजर को, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। इन सभी सब्जियों को हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। ये जो सब्जियां होती है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। कैप्सिकम, टोमेटो जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, तो हम उसे लास्ट में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी आलू और गाजर जो है वो पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और कैप्सिकम। इसे हम 1 ही मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। सभी सब्जियां सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये पास्ता मसाला। ये मसाला डाल के आप उपमा जरूर बनाइएगा। उपमे का स्वाद जो है बहुत ही बढ़ जाता है, वो भी जब सेवैया उपमा बनाना हो तो ये मसाला आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्टेन किया हुआ सेवैया, जिसे हमने बॉयल करके स्टेन करके ठंडे पानी से धो लिया था। तो अब हम इसे सब्जियों के साथ डाल देंगे। गैस का फ्लेम स्लो करके हम अच्छे से सब्जियों के साथ सेवैया को मिलाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी सेवैया उपमा तैयार होती है। हमने सब्जियों को
अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ऐसे हम चारों तरफ फैलाते हुए नमक को स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्रेश फ्रेश अलग अलग ये बिखरा हुआ सेवैया उपमा दिख रहा है। बनाने में तो एक इंटरेस्टिंग है ही, खाने में भी टेस्टी लगता है, और घर में कुछ अलग अलग बनता रहे तो घर वाले भी खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं। हमने सभी सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने इसे 80% ही कुक किया था, तो कवर करके 1 मिनट तक मसाले के साथ सेवैया को पकने देंगे। तो चलिए अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी सेवैया कितनी बढ़िया तैयार हुई है। अब हम लास्ट में इस पे धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर लेते हैं। धनिया पत्ता डालने के बाद हमें पकाना नहीं है, गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेवैया उपमा बनकर तैयार है। अब चलिए हम इसकी फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे एक एक दाना खिला खिला सेवैया उपमा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने सेवैया उपमा बना के तैयार कर लिया। आपने देख लिया बनाना कितना आसान है, और खाने में तो आप टेस्ट करेंगे तो ही बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, और आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। धन्यवाद।